ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा का पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 26वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 66, बिल्व वृक्ष और पंचवटी के नीचे भाग एक, निराकार साधना। श्री रामकृष्ण बेल के पेड़ के पास खड़े हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। आज बुधवार है, 19 दिसंबर 1883, अगहन की कृष्णा पंचमी है। इस बेल के पेड़ के नीचे श्री राम कृष्ण ने साधना की थी। यह स्थान अत्यंत निर्जन है। इसके उत्तर तरफ बारूदखाना और चार दीवार है। पश्चिम तरफ झाऊ के पेड़, जो हवा के झोंकों से हृदय में उदासीनता भर देने वाली सनसनाहट पैदा करते हैं। आगे हैं भागीरथी। दक्षिण की ओर पंचवटी दिखाई पड़ रही है। चारों ओर इतने पेड़ पत्ते हैं कि देवालय पूर्ण तरह से दिखाई नहीं आते। श्री राम कृष्ण मणि से पर कामिनी कांचन का त्याग किए बिना कुछ होने का नहीं। मणि क्यों? वशिष्ठ देव ने तो श्री राम कृष्ण श्री रामचंद्र से कहा था, राम, संसार अगर ईश्वर से अलग हो तो संसार का त्याग कर सकते हो। श्री राम कृष्ण जरा हंसकर, वह रावण वध के लिए कहा था, इसलिए राम को संसार में रहना पड़ा और विवाह भी करना पड़ा। मणि काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे। श्री राम कृष्ण यह कहकर अपने कमरे में लौट जाने के लिए पंचवटी की ओर जाने लगे। मणि, साधना करने पर क्या ज्ञान और भक्ति दोनों ही नहीं हो सकते? श्री राम कृष्ण, भक्ति लेकर रहने पर दोनों ही होते हैं। जरूरत होने पर वही ब्रह्म ज्ञान देते हैं। खूब ऊंचा आधार हुआ तो एक साथ दोनों हो सकते हैं। ईश्वर कोटियों का होता है, जैसे चैतन्य देव का जीव कोटियों की अलग बात है। आलोक ज्योति 5 प्रकार के हैं। दीपक का प्रकाश, भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा चंद्र और सूर्य का सम्मिलित प्रकाश भक्ति है। चंद्रमा और ज्ञान है सूर्य। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने से पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है। अवतार आदि में भक्ति रूपी चंद्रमा तथा ज्ञान रूपी सूर्य एकाधार में देखे जाते हैं। क्या इच्छा करने से ही सभी को एक ही समय ज्ञान और भक्ति दोनों प्राप्त होते हैं? आधारों की भी विशेषता है। कोई बांस अधिक पोला रहता है और कोई कम पोला। सभी आधारों में
ईश्वर की धारणा थोड़े ही होती है। शेर भर के लोटे में क्या दो शेर दूध आ सकता है? मणि, क्यों? उनकी कृपा से यदि वे कृपा करें तब तो सुई के छेद से ऊंट भी पार हो सकता है। श्री राम कृष्ण, परंतु कृपा क्या यूं ही होती है? भिखारी यदि एक पैसा मांगे तो दिया जा सकता है, परंतु एकदम यदि रेल का भाड़ा मांग बैठे तो? मणि चुपचाप खड़े हैं, श्री राम कृष्ण भी चुपचाप हैं। एकाएक बोल उठे, हाँ अवश्य, किसी किसी पर उनकी कृपा होने से हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। पंचवटी के नीचे आप मणि से फिर वार्तालाप करने लगे। 10 बजे का समय होगा। मणि, अच्छा, क्या निराकार की साधना नहीं होती? श्री राम कृष्ण, होती क्यों नहीं, वह रास्ता बड़ा कठिन है। पहले के ऋषि कठिन तपस्या करके तब कहीं ब्रह्म वस्तु का अनुभव कर पाते थे। ऋषियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अपनी कुटिया से सुबह को निकल जाते थे, दिन भर तपस्या करके संध्या के बाद लौटते थे, तब आकर कुछ फल मूल खाते थे। इस साधना में विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते सफलता न होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब विषय मन में जब बिल्कुल न रह जाएं, तब मन शुद्ध होता है। वह शुद्ध मन जो कुछ है, शुद्ध आत्मा भी वही है। मन में कामनी कांचन बिल्कुल न रह जाएं, तब एक और अवस्था होती है, ईश्वर ही करता है, मैं अकर्ता हूँ, मेरे बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा भाव तब बिल्कुल नहीं रहता। सुख में भी और दुख में भी, किसी मटके साधु को दुष्टों ने मारा था, मार खाकर वह बेहोश हो गया। चेतना आने पर जब उससे पूछा गया, तुम्हें कौन दूध पिला रहा है, तब उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा था वे ही मुझे अब दूध पिला रहे हैं। मणि, जी हाँ, यह जानता हूँ। स्थित समाधि और उन्मना समाधि, श्री राम कृष्ण, नहीं, सिर्फ जानने से ही न होगा, धारणा भी होनी चाहिए। विषय चिंतन मन को समाधिष्ट नहीं होने देता। विषय बुद्धि का पूरी तरह त्याग होने पर सितत समाधि हो जाती है। मेरी देह सितत समाधि में छूट सकती है, परंतु मुझ में भक्ति और भक्तों के साथ कुछ रहने की वासना है, इसीलिए देह पर भी कुछ दृष्टि है। एक और है उन्मना समाधि, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह तुम समझे? मणि, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, यह समाधि देर तक नहीं रहती। विषय वासनाएं आकर समाधि भंग कर देती हैं। योगी का योग भंग हो जाता है। उस देश में दीवार के भीतर बिल में नेवला रहता है। बिल में जब रहता है खूब आराम से रहता है। कोई कोई उसकी पूंछ में ईंट बांध देते हैं, तब ईंट के कारण वह बिल से निकल पड़ता है। जब जब वह बिल के भीतर जाकर आराम से बैठने की चेष्टा करता है, तब तब ईंट के प्रभाव से बिल से निकल आना
पड़ता है। विषय वासना भी ऐसी ही है, योगी को योग भ्रष्ट कर देती है। विषयी मनुष्यों की कभी कभी समाधि की अवस्था हो सकती है। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, परंतु सूर्य मेघों से ढक जाने पर फिर वह मुंद जाता है। विषय मेघ हैं। प्रणाम करके मणि बेलतला की ओर जा रहे हैं। बेलतला से लौटने में दोपहर हो गई। विलंब देखकर श्री राम कृष्ण बेलतला की ओर आ रहे हैं। मणि दरी आसन जल का लोटा लेकर लौट रहे हैं। पंचवटी के पास श्री राम कृष्ण मणि के प्रति, मैं जा रहा था तुम्हें खोजने के लिए, सोचा दिन इतना चढ़ आया कहीं दीवार फांद कर भाग तो नहीं गया। तुम्हारी आंखें उस समय जिस प्रकार देखी थी उसे सोचा कहीं नारायण शास्त्री की तरह भाग तो नहीं गया। उसके बाद फिर सोचा नहीं वह भागेगा नहीं, वह काफी सोच समझ कर काम करता है। भाग दो, भीष्म देव की कथा, योग कब सिद्ध होता है। फिर रात को श्री राम कृष्ण मणि के साथ बातें कर रहे हैं। राखा लाटू हरीश आदि हैं। श्री राम कृष्ण मणि के प्रति, अच्छा कोई कोई कृष्ण लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं, तुम्हारी क्या राय है। मणि, विभिन्न मतों के रहने से भी क्या हानि है। भीष्म देव की कहानी आपने कही है, शरशैया पर देह त्याग केस में उन्होंने कहा था, मैं रो क्यों रहा हूँ, वेदना के लिए नहीं, पर जब सोचता हूँ कि साक्षात नारायण अर्जुन के सारथी बने थे, परंतु फिर भी पांडवों को इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी, तब लगता है कि उनकी लीला कुछ भी समझ नहीं सका, इसीलिए रो रहा हूँ। फिर हनुमान की कथा आपने सुनाई है। हनुमान कहा करते थे, मैं वार तिथि नक्षत्र आदि कुछ भी नहीं जानता, मैं केवल एक राम का चिंतन करता हूँ। आपने तो कहा है दो चीजों के सिवाय और कुछ भी नहीं है, ब्रह्म और शक्ति। और आपने यह भी कहा है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होने पर वे दोनों एक ही जान पड़ते हैं। एकम एवा द्वितीयतम। श्री राम कृष्ण, हाँ ठीक, वस्तु प्राप्त करना है, सौ कांटेदार जंगल में से जाकर लो या अच्छे रास्ते से जाकर लो, अनेका अनेक मत अवश्य हैं। नागा कहा करता था, मत मतांतर के कारण साधु सेवा ने हुई। एक स्थान पर भंडारा हो रहा था, अनेक साधु संप्रदाय थे, सभी कहते हैं हमारी सेवा पहले हो उसके बाद दूसरे संप्रदायों की, कुछ भी निश्चित न हो सका। अंत में सभी चले गए और वैश्यों को खिलाया गया। मणि, तोतापुरी महान व्यक्ति थे। श्री राम कृष्ण, हाजरा कहते हैं मामूली। नहीं भाई, वाद विवाद से कोई काम नहीं, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। देखो नारायण शास्त्री को प्रबल वैराग्य हुआ था, उतना बड़ा पंडित स्त्री को छोड़कर लापता हो गया। मन से कामिनी कांचन का संपूर्ण त्याग करने से तब योग सिद्ध होता है। किसी किसी में योगी के लक्षण दिखते हैं। तुम्हें षट चक्कर के बारे में कुछ बता दूं। योगी षट चक्कर को भेद कर उनकी कृपा से उनका दर्शन करते हैं। षट चक्कर सुना है ने?
मणि वेदांत मत में सप्त भूमि, श्री राम कृष्ण वेदांत मत नहीं वेद मत, षट चक्कर क्या है जानते हो, सूक्ष्म देह के भीतर ये सब पद हैं, योगी गण उन्हें देख सकते हैं, जैसे मोम के बने वृक्ष के फल पत्ते। मणि, जी हाँ, योगी गण देख सकते हैं। एक पुस्तक में लिखा है, एक प्रकार की कांच होती है जिसके भीतर से देखने पर बहुत छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार योग द्वारा वे सब सूक्ष्म पदम देखे जाते हैं। श्री राम कृष्ण ने पंचवटी के कमरे में रहने के लिए कहा है। मणि उसी कमरे में रात बिताते हैं, प्रातः काल उस कमरे में अकेले गा रहे हैं। भावार्थ, हे गौर, मैं साधन भजनहीन हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मुझे छूकर पवित्र कर दो। हे गौर, तुम्हारे श्री चरणों का लाभ होगा, इसी आशा में मेरे दिन बीत गए। हे गौर, तुम्हारे श्री चरण तो अभी तक नहीं पा सका। एकाएक खिड़की की ओर ताक कर देखते हैं, श्री राम कृष्ण खड़े हैं। मैं हीन दीन हूँ, मुझे छूकर पवित्र कर दो। यह वाक्य सुनकर श्री राम कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। फिर दूसरा गाना हो रहा है। भावार्थ, मैं शंख का कुंडल पहनकर गेरवा वस्त्र पहनूंगी। मैं योगिनी के वेश में उसी देश में जाऊंगी जहां मेरे निर्दय हरि हैं। श्री राम कृष्ण राखाल के साथ घूम रहे हैं। भाग तीन, डुबकी लगाओ। शुक्रवार 21 दिसंबर 1883 प्रातःकाल श्री राम कृष्ण अकेले बेल के पेड़ के नीचे मणि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। साधना के संबंध में अनेक गुप्त बातें तथा कामनी कांचन के त्याग की बातें हो रही हैं। फिर कभी कभी मन ही गुरु बन जाता है, ये सब बातें बता रहे हैं। भोजन के बाद पंचवटी में आए हैं, वे सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। पंचवटी में दो तीन वैष्णव बाबा जी आए हैं, एक बाउल साधु भी हैं। तीसरे पहर एक नानक पंथी साधु आए हैं, हरीश राखाल भी हैं, साधु निराकारवादी हैं। श्री राम कृष्ण उन्हें साकार का भी चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण साधु से कह रहे हैं, डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर तैरने से रतन नहीं मिलते। ईश्वर निराकार है तथा साकार भी। साकार का चिंतन करने से शिखर भक्ति प्राप्त होती है, तब फिर निराकार का चिंतन किया जा सकता है। जिस प्रकार चिट्ठी को पढ़कर फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें लिखे अनुसार काम करते हैं। परिच्छेद 67। दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ। भाग एक, बढ़े चलो। अवतार तत्व। शनिवार 22 दिसंबर 1883 सवेरे 9 बजे का समय होगा। बलराम के पिता आए हैं, राखाल हरीश मास्टर लाटू यहाँ पर निवास कर रहे हैं। श्यामपुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं। श्री राम कृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्ति कैसे हो? श्री राम कृष्ण बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति, बढ़े चलो। 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान हैं। सब फाटक
पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने चाणक में अन्नपूर्णा की स्थापना के इसमें द्वारका बाबू से कहा था, बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बंसी में लगाकर चारा डालो, उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी, कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति मानो चारा, ईश्वर नरलीला करते हैं, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य देव, मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े रहते हैं। मछली केकड़े खोजना हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती हैं। गीत में कहा है भावार्थ, श्यामा माने कैसी कल बनाई है, 3.5 हाथ की कल के भीतर ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूँ, वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मक्खन है, उसे मंथन करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पीरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होता है, उसे पीसना पड़ता है। भक्त श्री राम कृष्ण के प्रति अच्छा, वे साकार हैं या निराकार? श्री राम कृष्ण, ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी है और कहाँ बंगाल बैंक है। खड़दा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुंचना ही होगा। निराकार साधना होगी क्यों नहीं, परंतु बड़ी कठिन है। कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। बाहर त्याग, फिर भीतर त्याग। विषय बुद्धि का लवलेस रहते काम नहीं बनेगा। साकार की साधना सरल है, परंतु उतनी सरल भी नहीं है। निराकार साधना, ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है। उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वपन तुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है। कबीर दास निराकारवादी थे, शिव काली कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे काली चावल केला खाती है, कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते थे, सभी हंस पड़े। निराकार साधक मानो पहले दशभुजा का दर्शन करते हैं, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं। कहा जाता है दत्तात्रेय जड़ भरत ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे। कहते हैं कि सुखदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था, समुद्र की तरंगों की उछल कूद देखी थी, गर्जना सुनी थी, परंतु समुद्र में डूबे न थे। एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है। दीवाल के उस पार अनंत मैदान है,
चार मित्रों ने दीवाल के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवाल पर चढ़ता है, उस मैदान को देखकर हो हो करके हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है। तीनों व्यक्तियों ने कोई खबर नहीं दी, सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि का। हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगी। हिमालय ने कहा, बेटी ये सब रूप तो देखे परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक बार दिखा दो। पार्वती ने कहा, पिताजी यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। पर हिमालय किसी भी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया, देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए। भक्ति योग जो कुछ कहा सब तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही विचार है, सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है, फिर मैं भी उड़ जाता है। इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता, बड़ा कठिन है। यह सब विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए, इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं, शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। वे लीला कर रहे हैं, वे भगत के अधीन हैं। माँ भगत की भगत रूपी रस्सी से स्वयं में बंधी हुई हैं। ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं, भक्त सुई होता है, फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं। भक्त उन्हें खींच लेते हैं, वे भक्त वत्सल भक्ताधीन हैं। एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्व जन्म में निराकारवादी थी, उससे उनकी तृप्ति न हुई, इसीलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा, तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा, चलो यमुना में स्नान करने चलें। ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई, एकाएक गोला का दर्शन, फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन। तब यशोदा बोली, कृष्ण ये सब और अधिक देखना नहीं चाहती, अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूंगी, तुझे गोदी में लूंगी, खिलाऊंगी। इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है। अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है, भोर होते ही वह उसमें छिप जाएगा रे। अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते। देह धारण करने पर रोग शोक अक्षुधा तृष्णा सभी कुछ होता है। ऐसा लगता है मानव वे हमारे ही तरह हैं। राम सीता के शोध में रोए थे, पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं। पुराण में कहा है, हिरण्याक्ष वध के बाद वरा अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे, उन्हें सतनपान करा रहे थे, सभी हंसे। स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं। अंत में शिव ने आकर त्रिशूर द्वारा उनके शरीर का विनाश किया, तब वे हंसते हुए स्वधाम में पधारे। भाग दो गोपियों का प्रेम। तीसरा प्रहर है, भवनाथ आए हैं, कमरे में राखाल मास्टर हरीश आदि हैं। श्री राम कृष्ण भवनाथ के प्रति अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया, आह गोपियों का कैसा प्रेम था। यह कहकर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं।
एक भावार्थ, श्याम तुम प्राणों के प्राण हो, भावार्थ दो, सखी मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, भावार्थ तीन, उस दिन जिस में तुम वन जा रहे थे, मैं द्वार पर खड़ी थी, प्रिय इच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूं। श्री राम कृष्ण रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए, गोपिकाएं एकदम पागल बन गई, एक वृक्ष को देखकर कहती हैं तुम कोई तपस्वी हो गए, श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा, नहीं तो समाधि मगन होकर क्यों खड़े हो। तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं हे पृथ्वी तुम अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं, तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं, नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं, अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का उपभोग किया होगा। फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं हे माधवी मुझे माधव लादे गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है, जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे तो गोपीगण रथ के पहिया पकड़कर कहने लगे जाने नहीं देंगे। इतना कहकर श्री राम कृष्ण फिर गाना गा रहे हैं, भावार्थ रथ चक्कर को न पकड़ो न पकड़ो, क्या रथ चक्कर से चलता है, इस चक्कर के चक्री हरि हैं, जिनके चक्कर से जगत चलता है। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं क्या रथ चक्कर से चलता है, ये बातें मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती हैं, जिस चक्कर से ब्रह्मांड घूमता है रथी की आज्ञा से सारथी चलता है। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, अगला वीडियो नंबर 27 हम शुरू करेंगे, परिच्छेद नंबर 68, दक्षिणेश्वर में गुप्त रूपी श्री राम कृष्ण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते।